कौन रिएक्ट कर देगा? जो हम जैसों का महाकाल बन के घूम रहे पूरे यूपी में, अविनाश मिश्रा। सामने पड़ोगे तो ठुकोगे। शिव जी के भगत हैं और ये मानते हैं कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। महादेव। रियल लाइफ में आपने रणदीप हुड्डा को देखा और रियल लाइफ में इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा जिनकी चर्चा है वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। सुपारी ली मुख्यमंत्री को मारेगी तो शिवराज को सुपारी दी किसने? अब ये पॉलिटिकल को एक रहस्य रहेगा। क्या लगता है आपको, हम हीरो हैं कि विलन? मैं अकेले उनका मनोबल तोड़ता रहूंगा बैठा। आओ दो दो हाथ तुमसे फिर रिटायरमेंट के बाद भी करेंगे। फौज करेगी वहां। दोस्तों इस समय एक वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर खूब गर्दा उड़ा रही है। इंस्पेक्टर अविनाश के नाम से जो वेब सीरीज हिट है इस समय सुपर हिट हो रही है और जियो पर आप देख रहे हैं, तमाम लोग यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, जिन प्लेटफॉर्म्स पे भी उन्हें मिल रहा है मौका देखने की कोशिश कर रहे हैं। और उस वेब सीरीज के जो नायक हैं, रियल लाइफ में आपने रणदीप हुड्डा को देखा और रियल लाइफ में इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा जिनकी चर्चा है वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस में, उत्तर प्रदेश एसटीएफ में डिप्टी एसपी के रूप में 2019 में आप रिटायर हुए। एक लंबा कैरियर, अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवाओं में दिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका द इंडियन ओपिनियन में। इस फिल्म में, इस वेब सीरीज में जो किरदार आपका देखने को मिला उसके बाद लाखों लोग आज आपकी चर्चा कर रहे हैं और लोग सोच रहे हैं कि कैसी लाइफ वाकई में होती है पुलिस वालों की, खासतौर से एसटीएफ जो कि एक टारगेट गाइडेड फोर्स है। आपको जो असाइनमेंट्स दिए जाते हैं उस पर पूरा 100% देना होता है अपना और उसकी वजह से अपना परिवार भी सफ़र करता है और तमाम चुनौतियाँ होती हैं अपनी सुरक्षा को लेकर, फैमिली को लेकर। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि पुलिस सर्विसेज में आपका आने का जो फैसला रहा और संक्षेप में अपने परिवार का भी परिचय दें। देखिए, मैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरे फादर फ्रीडम फाइटर रहे हैं और मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ। मेरे स्टूडेंट्स कैरियर में मेरा कोई पुलिस का ना तो इरादा था, मैंने कभी ना कभी सोचा था। मैं एक बहुत बढ़िया स्पोर्ट्समैन था। मैंने मास्टर डिग्री की है फिजिकल एजुकेशन में और मैं अच्छा खासा स्पोर्ट्स टीचर था हमीरपुर में ही राजकीय डिग्री कॉलेज में। मेरे साथ एक ऐसी घटना हो गई थी तो मेरे दिमाग में बैठ गया था कि यार पुलिस बहुत मजबूत चीज़ होती है, पुलिस जो चाहे वो कर दे, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता जी। तो फिर मेरे एक दूसरा पॉजिटिव दिमाग में आया कि यार इससे तो फिर लोगों की मदद भी की जा सकती है बहुत और ये बदमाशियाँ भी ख़त्म की जा सकती है। तो मैंने फिर निश्चय किया अब मैं पुलिस में जाऊँगा। मेरे फादर के दिमाग में पुलिस की छवि बहुत अच्छी नहीं थी, उन्होंने बहुत विरोध किया। लेकिन मैं अपने दोस्तों के साथ, मेरे साथ जो मेरे प्रोफेसर जो पहले हुआ करते थे वो मेरे दोस्त हो चुके थे, उन्होंने फिर मुझे सपोर्ट किया और मैं फिर 1982 में पुलिस मैंने ज्वाइन कर ली और मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई मुरादाबाद। पुलिस सेवा में आने के बाद जो आपके बारे में जानकारी मिली हम लोगों को स्क्रीन से कि जब एसटीएफ बना तो एसटीएफ के आप फाउंडर मेंबर रहे जी और कल्याण सिंह साहब उस समय मुख्यमंत्री थे, तो एसटीएफ का जो गठन हुआ और क्या ऐसी उस समय स्थितियां हो गई थी? बहुत से लोग ये जानते हैं कि साहब श्री प्रकाश शुक्ला ने सीएम को मारने की सुपारी ले ली थी। आज भी सोशल मीडिया पर खबरें भरी पड़ी हैं कि मुख्यमंत्री को मारने की सुपारी श्री प्रकाश शुक्ला ने ले ली थी और उस श्री प्रकाश को कंट्रोल करने के लिए यूपीएसटीएफ का गठन किया गया। तो क्या वाकई में श्री प्रकाश शुक्ला एक वो शख्स था जिसकी वजह से एसटीएफ के गठन का निर्णय लेना पड़ा या और भी बहुत कुछ प्रदेश में चल रहा था? देखिए, मुझे श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में बहुत जानकारी थी नहीं। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से नया नया आया था, मेरी पोस्टिंग थी मऊ में जी।
तो हल्का फुल्का श्री प्रकाश के बारे में सुनते रहते थे, श्री प्रकाश है कोई ये वो। फिर मुझको एक ऑफिसर थे DIG श्री डॉक्टर कश्मीरा से समय, तो उन्होंने मुझको मऊ से लखनऊ बुलाया, मेरा ट्रांसफ़र कराया। वो मेरे साथ SSP मेरठ में रहे थे जी। तो मेरी कार प्रणाली से वो परिचित थे। तो जब उन्होंने मुझको लखनऊ बुलाया तो मैं आ गया। मैंने पूछा सर, तो बोले वो श्री प्रकाश शुक्ला का नाम सुना है? मैंने हल्का हल्का सुना है। तो बोले कुछ लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन मुझे लग रहा है वो टीम अधूरी है, तुम उसको ज्वाइन करो। तो मैंने कहा छोड़िए सर, मैं क्या ज्वाइन करूँगा, करने दिए उन लोगों को। बोले नहीं नहीं तुम जाने। फिर मुझको उस टीम से मिलाया गया। उस टीम में सत्येंद्रवीर सिंह साहब, राजेश पांडे, तेवतिया जी, यही मेन थे, बाकी तो और नीचे का स्टाफ था। मिलाया गया। मिलने के बाद फिर श्री प्रकाश की कहानियाँ सुनाई गई, उसके केसेज बताए गए। तो मुझे लगा यार इस पर काम करना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपके साथ ज्वाइन करता हूँ। तो हम लोग मिल के काम ही कर रहे थे श्री प्रकाश के ऊपर। उसी समय यह जनपद की घटना हो गई और फिर थोड़ा सा मुझको और लगा कि यार ये चैलेंजिंग है। तो इसने पुलिस अफसर को मार दिया। उसके बाद फिर एक ये हवा चली कि उसने माननीय मुख्यमंत्री जी की सुपारी ले ली है। अच्छा, ये चर्चा कहाँ से है, इसका बेस? आज ये मीडिया बेस था, कुछ पॉलिटिकल बेस था। सुपारी, अगर श्री प्रकाश शुक्ला ने सुपारी ली मुख्यमंत्री को मारने की, तो श्री प्रकाश को सुपारी दी किसने? अब ये पॉलिटिकल कुछ, ये एक रहस्य रह गया, रहस्य है वो, कभी वक्त आएगा वो रहस्य भी खुलेगा जी। तो ये हुआ कि कुछ हो, तो फिर उस समय अजयराज शर्मा साहब थे, विक्रम सिंह साहब थे, इन लोगों से मिल के निर्णय हुआ कि शासन प्रशासन से कि स्टेप बनाई जाए जो श्री प्रकाश और संगठित गिरोहों के ऊपर काम करेगा। ओके हो गया सब। पहली पोस्टिंग जो हुई उसमें अरुण कुमार झा साहब SSP स्टेप बनाए गए और विक्रम सिंह साहब IG STF और अरुण कुमार झा, फिर जो हम लोग थे सत्येंद्रवीर सिंह का, राजेश पांडे, तेवतिया जी और हम, और थोड़ा सा स्टाफ जो था वहीं पश्चिमी SP पश्चिमी का सत्येंद्रवीर साहब का, उसमें तो कुछ स्टाफ लेके हम लोगों को एक महानगर में कोठी दे दी गई जो बिल्कुल उजाड़ थी, कुछ फर्नीचर नहीं कुछ नहीं। हम लोगों ने अपने हाथ से वो ऑफिस को सजाया, घास खोदी, पूजा वो पार्ट। जो कोठी दिखती है इस स्क्रीन पे जी, आपकी जी, कुछ मिलती जुलती है इससे? और स्क्रीन की तो फिर स्क्रीन की ऑफिस है, हम लोगों का ऑफिस जो था उसमें कभी कहीं लोगों को नहीं लगता था, स्टेप स्टेप ऐसे ही रहती थी। फिर वहाँ से शुरुआत हुई। अच्छा, श्री प्रकाश का कोई बॉस भी था उस समय जो उसे ऑपरेट करता था, वो गाइडेड कहाँ से होता था? श्री प्रकाश को कोई बॉस नहीं था। बताया जाता है यूपी में सबसे पहले AK-47 का यूज किया उसने? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, इससे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ चुकी थी जी। मैं तो वहाँ रहा हूँ ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश जी, जी वहाँ चुकी थी पहले। तो उसको हथियारों की सप्लाई या गाइडेंस सपोर्ट? बिहार वो असल में कुछ जो पुराने लोग थे तो वो चूँकि एक मैटर में वो फंस गया था तो लोगों ने उसका मिसयूज किया। वो दबंग टाइप का लड़का था, हेकड़ भी था, किसी से डरता नहीं था, अपनी मन मर्जी का काम करता था। तो उसको एक क्राइम वाला रास्ता मिल गया। फिर कुछ दिन तो उसको रहा कि हाँ भाई इसके गुरु ये हैं, इसके गुरु ये हैं। फिर वो खुद ही गुरु था, खुद ही चेला था, सब कुछ वही था, सारे फैसले अपने खुद उसके रहते थे। अच्छा, इस फिल्म में कुछ घटनाओं का जिक्र हुआ, कुछ बच्चों के मर्डर्स का भी इसमें दृश्यांकन हुआ, तो कुछ ऐसी चीज़ें रियल लाइफ में भी आपकी सर्विस के दौरान आई जिन्होंने बहुत मन को झकझोर दिया, बहुत उद्वेलित हुए, दुखी हुए, और लगा कि देखिए उसमें जो सीरीज में घटनाएं दिखाई गई हैं तो लगभग 80% 85% सही हैं जी। और उसको हाईलाइट करना और वो करना तो जानते हैं आप कि फिर अपहरण उद्योग चरम पर था उस समय। मेकर्स को तो मेकर्स को कुछ जरूरत रहती है मार्केट के हिसाब से, मनोरंजक थोड़ा सा एंटरटेनिंग बनाना है उसको, तो उसमें कहीं घटना को थोड़ा सा इधर उधर करके बाकी वो घटनाएं सही है। अच्छा, इस आपका जो जीवन है, इसका जो आपका जो अनुभव रहा, जो
तमाम ऐसे केसेस आपके सामने आए और तमाम इनकाउंटर्स हुए, तो ये विचार कैसे आया कि इसे स्क्रिप्ट एक इसकी बने और उसके बाद इसको स्क्रीन पर लाया जाए? किसने कांटेक्ट किया सबसे पहले? किसने देखिए ऐसा है कि मेरा बॉम्बे बहुत आना जाना होता था ऑपरेशंस के चक्कर में, अंडरवर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन निकालने, क्योंकि वही एक जगह थी जहाँ से अंडरवर्ल्ड निकल का सारा इन्फॉर्मेशन मिलती थी। तो जब फुर्सत में बैठे होते थे रात में, तो कोई ना कोई आता था, तो मेरे पास कोई पॉलिटिकल सब्जेक्ट मेरे पास रहता नहीं था, ना कोई कमर्शियल सब्जेक्ट रहता था, तो ये तो सर कुछ सुनाइए। तो उसको सुनाने के चक्कर में ये नीरज पाठक जी हमसे टकरा गए, और नीरज पाठक जी बहुत सज्जन आदमी हैं, और ये फिर मतलब उनको कोई शौक़ नहीं है खाने पीने का, लेकिन सुबह 4-4 बजे तक सुनते थे हमसे। इसी बीच में क्या हुआ कि जैसे जैसे सर्विस आगे बढ़ती गई, तो मेरा छोटा बेटा वरुण मिश्रा है, उसने एक अपनी फाइनेटिक मीडिया प्रोडक्शन हाउस बनाया जी, और उसने फिर नीरज जी से अपना अंकल जी करके उन्होंने कहा अंकल बनाते हैं। तो क्योंकि नीरज जी ने कहानियाँ सुनी रखी थी, अब चूंकि उन्होंने कहा बनाते हैं, तो फिर थोड़ा सा और बैठे फिर हम लोग। नीरज जी एक्सपर्ट थे और उन्हें, हाँ, वो एक्सपर्ट थे, उन्होंने पकड़ लिया सारा कंटेंट मसाला उन्हें मिल गया, और बोले फिर इसको अच्छे से बनाते हैं। तो मेरे बेटे से उन्होंने एक एग्रीमेंट किया जी कि एक सीजन हम लोग बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है। तो नीरज जी ने बहुत मेहनत की इसमें राइटिंग में, फिर मेरी भी इच्छा थी कि रणदीप को लिया जाए, नीरज इनकी भी इच्छा थी यानी भाई साहब आपका रोल वही पकड़ पाएगा, तो नीरज वो रणदीप डिसाइड हो गया। रणदीप ने कितना जस्टिस किया, आपने जब खुद अपने जीवन को चलचित्र पे देखा तो आप कितने अंक देते हैं उसको? मैं उसको अगर क्लोजअप ना हो तो मैं उसको 95-96% देता हूँ, अगर थोड़ा क्लोजअप हो जाए तो 90%। उसने मुझे बहुत कॉपी की। आपके साथ कुछ डिस्कस भी किया रणदीप? बहुत बैठे होंगे घंटे, बहुत। हम लोग रात 8-8:30 बजे बैठ जाते थे और सुबह के 4:30-5 बजता था हम लोगों को। पूछा होगा कैसे बोलते थे, गाड़ी से उतरने का स्टाइल क्या था, वो सब एक दिन उसने पूछा बस। नेक्स्ट डे से उसने उसको पकड़ना शुरू किया, मैं गाड़ी से कैसे उतर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ तो मुझे छोड़ने आते थे तो देखते थे मैं जाते समय कैसे क्या, मेरा हाथ वाथ चलाने का या मेरे माला वाला ये अंगूठी ये वो, और थोड़ा सा ड्रिंक व्रिंक का भी स्टाइल, वो मेरा वर्ल्ड फेम स्टाइल वो जी, जो मुझको जानता होगा वो तुरंत कह देगा अरे गुरु जी की स्टाइल पूरी कर रहा जी। तो उसने बहुत मेहनत की और उसका रिजल्ट भी है। अच्छा, इस जब ये इस मूवी से बहुत से ऐसे रहस्य भी लोगों के सामने आते हैं, बहुत से ऐसे दृश्य उसमें दिखाई पड़ता है, लगता है कि वाकई में वो दौर बड़ा चुनौतीपूर्ण था पुलिस वालों के लिए, और ख़ास तौर पर एसटीएफ जो संगठित अपराध को रोकने के लिए बनाई गई थी, तो घर परिवार पर्सनल लाइफ सब कुछ ताक पर रखना पड़ता था। वो देखिए अब आपको काम करना है तो फिर तो ये सब थोड़ा सा नज़रअंदाज करना पड़ेगा, वरना काम नहीं हो पाएगा। फिर ऐसा कभी जीवन में लगा कि वास्तव में बहुत कठिन दौर आ गया है, और बिल्कुल जो इनकाउंटर्स तो बहुत किए आपने, लोग बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 100 किए, कुछ लोग कह रहे हैं इससे ज़्यादा किए, आप स्वयं क्या कहना चाहेंगे, लगभग कितने अपराधी आपकी वजह से मारे गए, सीधे मारे गए हों या आपकी वजह से मारे गए हों? लगभग फिगर इसी के आसपास ही है, 100+। हाँ, ऐसी सूत्री होगी, क्योंकि पहले कभी दिमाग में नहीं था कि भाई नोट करके रखना है, है ना। हमारे डायरेक्टर परेशान रहते थे, सर वो आपकी ना फोटो मिल रही है कहीं, ना आपका स्टेटमेंट मिल रहा है कहीं, तो वो मेरे लिए सुरक्षा की वजह से ही बहुत ज़रूरी था कि डिस्क्लोज ना किया जाए जी। तो और जब मेरे अधिकारियों को लगा और शासन प्रशासन में बातचीत हुई, तो मुझको 2003 में वाई श्रेणी सिक्योरिटी दी गई जी, और वो मेरी 2014 तक चली, फिर 14 के बाद पता नहीं क्यों हट गई, क्या हुआ, मैंने कभी किसी से कहा भी नहीं, हट गई तो हट गई। कुछ ऐसा लगा कभी कि कुछ व्यक्तिगत दुश्मनी भी हुई अपराधियों से, माफियाओं से? देखिए मेरा काम करने का तरीका ऐसा था कि वो बहुत छोटा चुरकट टाइप का तो क्रिमिनल नहीं, लेकिन बड़ा क्रिमिनल था, जो मुझको फीडबैक आता था तो
सबके दिमाग में रहता था कि यार ये आदमी बंदा जो करता सही करता है, इसका कोई ऐसा नहीं कि इस गैंग के कहने से इसका कर रहा है या इस पॉलिटिशियन के कहने से कर रहा है या उससे कर रहा है, सामने पड़ोगे तो ठुकोगे, तो सबको पता रहता था। इसलिए मेरा किसी से व्यक्तिगत नहीं रहा कभी, सामने पड़ोगे तो ठुकोगे, हाँ मेरा कभी किसी से नहीं। ये संवाद धीरे धीरे उसके निकट जा रहा है, ओटीटी के ठोक देंगे, गुरु की फौज करेगी पहुंच। और जो ज़्यादातर टारगेट वो रहते थे जो मीडिया में स्क्रीन में आ जाते थे, अब नहीं, अब इनका ठीक नहीं है, तो मेरा फिर मैं उनके पीछे लगता, जो अपराधी ज़्यादा ग्लैमर में आ जाए, या अपना या जो सीरीज में उन्होंने दिखाया रेखा पार कर ली, जिसने लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा, ये लक्ष्मण रेखा वाला कॉन्सेप्ट आपने बताया सीरीज में, इसको ऐड किया गया आपके कहने पे, मुझे लग रहा है अब निकल गया होगा मुंह से। नीरज जी बहुत तेज राइटर हैं जी, तो निकल गया होगा तो उन्होंने पकड़ लिया। इसके पहले पुलिस पर बहुत फिल्में बनी हैं, ओटीटी पे काफी काम हुआ है, नवनीत सिकेरा साहब पर एक भौकाल सीरीज आई जी जी जी, लेकिन इंस्पेक्टर अविनाश पुलिस के जो वाकई में ग्राउंड वर्कर्स हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इंस्पेक्टर का होता है, क्योंकि उसके ऊपर का जो लेवल है वो मॉनिटरिंग और डायरेक्शन तक उनका रहता है, एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी आपके कंधों पे होती है, क्योंकि बीइंग जर्नलिस्ट एक पत्रकार के रूप में हम लोगों ने भी देखा है इसको, कि आईपीएस ऑफिसर्स हों या पीपीएस ऑफिसर्स हों, एग्जीक्यूशन में ग्राउंड पर रोल कम होता है उनका, राउंड जो ग्राउंड पे जो रोल होता है वो मुख्य रूप से इंस्पेक्टर का होता है, एसआई का भी होता है, आमने सामने जब गोलियां चलती हैं, चलानी होती है या पकड़ के लाना होता है विपरीत परिस्थितियों में। क्या जीवन में कभी ऐसा लगा कि पसीना छूटा और ऐसा लगा कि बिल्कुल मृत्यु जो है महाकाल के दर्शन हुए साक्षात किसी अपराधी से? ऐसा कई बार ऐसा हुआ, लेकिन एक बार ऐसा लगा कि अब बस प्रभु, कलकत्ता हुआ था मेरे साथ जी, कलकत्ता में एक एनकाउंटर हुआ था और रनिंग का एनकाउंटर था, गाड़ी चेज करके और क्रॉस फायरिंग हो रही थी, और एक बार तो मैं गाड़ी से भी गिर गया था और कई मीटर तक मैं घिसटता हुआ गया था, फिर उसके बाद फायरिंग हुई थी, उसमें लगा था कि बस अब महाकाल ने बुला लिया आपने। कभी कोई कभी गोली भी लगी शरीर में, टच हुई? बस ये भी कृपा रही जी, बचे रहे, सुरक्षित रहे। ऐसा हुआ कभी कि मेरे ड्राइवर मेरे पूरा सामने से बदमाश ने पूरा पिस्टल का भस्ट मारा, मेरी सामने गाड़ी की स्क्रीन से लग के यूँ निकल गया, तो वो होता ही है कि जब ऐसा हो तो आदमी एक बार को तो होते ही, तो मैं एकदम नीचे डैशबोर्ड पे गिर गया। मेरा ड्राइवर था, उसने बोला सर को गोली लग गई सर, मैं हॉस्पिटल ले चलो। फिर मैं कुछ सेकेंड बाद उठा तो उसको लगा कि बोले सर अब नहीं छोड़ेंगे, फिर उसने स्पीड बढ़ाई, फिर तो है जीवन चला बहुत है, अब क्या कहते हैं, देखने को मिलेगा, सुनने अब तो इस लाइन पे आ ही गए ना जी जी जी। अब तो ये लोग कभी, अच्छा ऐसा फील हुआ कभी कि पुलिस के वेपन्स, पुलिस के हथियार पुराने हैं, बैकडेटेड हैं और अपराधियों के पास ज़्यादा आधुनिक असलहे हैं, ये कभी वीकनेस संसाधनों को लेकर कभी कमजोरी महसूस हुई? देखो ये तो रहता ही था, खासतौर से सिविल पुलिस में तो ये रहता था, लेकिन फिर अब धीरे धीरे पश्चिम के अपराधी ज़्यादा स्मार्ट थे, हाँ पूरब वालों की तुलना में, यहाँ भोकाल ज़्यादा था, बदमाशी तो पश्चिमी प्रदेश जी। अच्छा ये जो सीरीज है, इस सीरीज में एक शेख साहब का जिक्र आता है बार बार, अब बड़ी जिज्ञासा है लोगों को, अब अगला सीजन आ नहीं रहा है, लोग परेशान है। और मेरा काम था शेख साहब उसमें मेन विलेन की तरह दिख रहे हैं, नीरज जी ने लिखी है, कभी नीरज जी का इंटरव्यू लीजिएगा तो बताएंगे कौन है। अब लोग यही, आपने तो खैर लिख दिया, शेख साहब है कौन जो सारा सीरीज का आनंद लीजिए, अभी तो बहुत कुछ बाकी है अभी उसमें जी जी, आगे आगे देखने को मिलेगा, तो खुद ही जो परिचित है वो खुद ही अंदाज लगा लेंगे कौन। कभी मौका मिला तो स्वयं ही स्क्रीन पे आएंगे? नहीं, मेरा मानना जिसको जो काम जिसका जो है उसको वो करना चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, अगर मैं लगता अपना तो मुझे लाया जा सकता था, लेकिन मेरा शुरू से मानना अपने प्रोफेशन में भी कि जो जिस काम को कर सकता उससे वही काम करो, मैं अपनी टीम से ही वही काम लेता था, क्या भाई ये लड़का ये कर सकता, ये लड़का ये कर सकता, तो मैं वही काम लेता था, तो मुझे नहीं आती एक्टिंग में क्यों जाऊँगा। अब डिप्टी एसपी के पद से आप रिटायर हुए जी, अब इस जीवन में दूसरी पारी
की शुरुआत आप 2019 से कर चुके हैं। पहली पारी में आपने पुलिस फोर्स के लिए योगदान दिया और दूसरी पारी में एक योगदान तो आपका स्क्रीन पे आ गया है, लेकिन फिर भी अब इस जीवन में, शेष जीवन में क्या इच्छा है, क्या करना चाहते हैं, किस तरह से सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं, अपने मन के लिए क्या करना चाहते हैं? अपनी बस कुछ नहीं, बस यही रहता है कि अभी सीरीज आई गई है तो बहुत से लोग संपर्क कर रहे हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, सर हम भी कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि है तो पूरा। मुझे पहले लोग कहते थे सर आपका दिल्ली बॉम्बे से बोला करते थे, तो है मसाला बहुत, अगर कोई आएगा तो देखा जाएगा, तो यही करेंगे कुछ और, यानी कुछ और जोरदार सामने आने वाला है। हाँ, बाकी मुझे खेलने का शौक है। स्पोर्ट्स कौन सा आपका? मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, दो बार मैं नेशनल सीनियर टीम भी लेके जा चुका हूँ बाहर, एक बार मलेशिया गया था, एक बार बैंकॉक गया था, दो बार जा चुका हूँ, तो अपना खेलता हूँ वहाँ डीवीडी में, सब अच्छे लोग वहाँ आते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में और उत्तर भारत में अगर कहें कि, और आपका अनुभव तो राष्ट्रव्यापी है, आपने मुंबई में भी काम किया, बंगाल में, कोलकाता में भी काम किया, भारत में क्राइम, माफिया और गैंग्स का, संगठित अपराध का क्या भविष्य है? और अब उसमें जो एक मिश्रण आ गया है एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ का, टेररिज्म का, आतंकवाद का, वो एक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन गई। जी, तो क्या देख रहे हैं, किस तरह की चुनौती और समाधान क्या है? चुनौती तो देखिए है ही, गंभीर चुनौती है, उसके लिए गंभीरता से लगना भी पड़ेगा। मैं आपको छोटी चीज़ बताता हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में जब तक रहा तो एक, आप कितना ही बड़ा अपना सर्किल बना लें, हिंदुस्तान से बाहर तो नहीं जाने वाला था क्राइम के मामले में, तो मैं एटीएस में गया। एटीएस में राजीव शब्बरवाल साहब इंचार्ज थे, तो हम लोगों ने एक योजना बनाई, तो आप उसके बाद आप देखिए 2009 से बाद से धीरे धीरे फेक करेंसी मार्केट से गायब हो गई। 2009-10 के बाद ट्राई बहुत की गई, कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई, मैं 2009-10 से बता रहा हूँ, तो कुछ तो काम किया गया होगा ना। तो ज़रूरी है कि एक तो आपकी टीम, एक आपका लीडर, और बिना किसी स्वार्थ के आप अपना नेटवर्क जितना फैला सकते हो उतना फैलाइए, और जो आपके खबरी हैं या जो भी एजेंट्स वगैरह जो भी हैं उनको तो एक फेमिलियर की तरह आप ट्रीट करिए, देखिए आपको कैसे सफलता मिलती है। भरोसा करेंगे, 100% करेंगे। मिश्रा जी, आपको गवर्नमेंट ने वाई श्रेणी की सुरक्षा भी दी थी, 100 से अधिक एनकाउंटर्स आपने किए, तमाम बड़े माफियाओं के खिलाफ भी आपने एक्शन लिए हैं, और उनमें से बहुत से ऐसे माफिया हैं जो आज भी जीवित हैं, भले ही वो साइडलाइन हो गए हों या छिप गए हों, लेकिन उनको बड़ा नुकसान हुआ आपकी वजह से, और आपकी जान को खतरा है, आपकी सुरक्षा को खतरा है, इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने खुद ये स्वीकार किया और आपको वाई श्रेणी की सुरक्षा दी, लेकिन 2014 में ये सुरक्षा वापस ले ली गई। अब हम देख रहे हैं, हम आपके घर आए हैं, ना कोई सिक्योरिटी चेक है, एक गनर भी हमें नहीं दिख रहा है, तो इससे क्या लगता है, कुछ आपको भय नहीं महसूस होता अपनी सुरक्षा के प्रति, या कुछ चिंता नहीं होती है? परिवार है, बच्चे हैं, सुरक्षा जरूरी है, होनी चाहिए, लेकिन भय मुझे ना पहले रहा ना अब है, और जब तक हूँ तब तक नहीं रहेगा भय। आपकी बात सही है, होना चाहिए, सुरक्षा जरूरी है, क्यों नहीं शासन प्रशासन से दी गई, जबकि मेरे सीनियर अफसरों ने बहुत कई बार लिखा, सब्बरवाल साहब ने लिखा, असीम अहमद साहब ने लिखा, अब नहीं मिली, तो मेरी आदत नहीं कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए रहूँ तो ताकि बदमाशों के और मनोबल बढ़ जाए, मैं अकेले उनका मनोबल तोड़ता रहूँगा, बैठा रहूँगा, आओ दो दो हाथ तुमसे फिर रिटायरमेंट के बाद भी करने हो सकते हैं, ऐसा नहीं। तो ऐसा जज्बा है मिश्रा जी का। मिश्रा जी, एक प्रश्न और है लोगों के मन में कि आपका जो जीवन है वो एक, अब तो वो एक चलचित्र के रूप में भी लोगों के सामने आ गया, स्क्रीन पे भी लोग देख रहे हैं, और वाकई में नौजवानों के लिए, पुलिस के जो युवा लोग हैं, जो हमारे सिपाही हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे इंस्पेक्टर्स हों, सभी के लिए बहुत कुछ देखने, सीखने और समझने को है आपके जीवन से। राजनीति में आने के बारे में अगर कभी कोई अवसर मिलता है, कोई ऑफर मिलता है, क्योंकि आपने राजनीति को भी करीब से देखा है,
तो राजनीति के जरिए से सेवा करने का अगर मौका मिला तो क्या विचार रहेंगे आपके? देखिए, मेरा शुरू से रहा सेवा भाव, और मैं लोगों से कहता भी हूँ कि भाई देखो, पुलिस डिपार्टमेंट में अगर आप सच्चे मन से सेवा करो तो आपको कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाने की ज़रूरत नहीं, इतना पुण्य का अवसर मिलता है इस नौकरी में। तो वैसे ही अगर पॉलिटिक्स में भी मुझे मौका मिला या मुझे दिया गया तो मैं वहाँ भी सेवा भाव से ही काम करूँगा, निर्भीकता के साथ। और एक पारी मौका मिला तो अविनाश मिश्रा चुनाव लड़ेंगे हमीरपुर से क्या? तीसरी पारी खेल, लेकिन मान सम्मान से मौका मिलेगा। अब इंस्पेक्टर अविनाश शो देखते हैं तो अक्सर देखते हैं कि इंस्पेक्टर अविनाश के रूप में जो रणदीप हुड्डा उसमें एक्ट कर रहे हैं वो अक्सर अपने गुरुजी से बात करते हैं। जब भी कोई इम्पोर्टेंट केस फंसता है, कोई क्रिमिनल नहीं पकड़ में आ रहा है या तनाव में होते हैं तो एक हेल्प के लिए, एक मदद के लिए गुरुजी को संपर्क करते हैं। और गुरुजी बड़ी सटीक जानकारी देते हैं, बड़ी ठोस जानकारी, एकदम परफेक्ट गाइडेंस देते हैं। तो मिश्रा साहब, ये बताएं कि गुरुजी का जो रोल है वो क्या असल जीवन में भी आपके गुरुजी हैं ऐसे जो जिनकी हर बात परफेक्ट साबित हुई, हर जानकारी, हर लीड जो उन्होंने दिया आपको किसी भी केस में वो सही साबित हुआ? जी हाँ, गुरुजी हमारे हैं और वो जो गुरुजी दिखाए गए हैं वो रियल वाले गुरुजी हैं, रियल वाले गुरुजी हमारे। देहरादून के पास एक सेला कोई जगह है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर रहते हैं, उनका अपना आश्रम है और मेरा उनके साथ 95 में संपर्क हुआ था उनसे, जो मेरा अब तक लगातार चल रहा है। और मैं जब जब जहाँ जहाँ अटका हूँ और कोई सी भी प्रॉब्लम आई है उन्होंने वहीं से बैठ के हल किया है। तो आप जो देख रहे हैं वो 100% सत्य है, और आगे भी आप देखेंगे केसेजों में तो उनकी भूमिका हमेशा रही है। ये जो महादेव की कृपा बनी हुई है और जो आप पूरे कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि गुरु की फौज करेगी मौज, जी, तो इसमें गुरु का आशीर्वाद है लगातार? गुरु जी का मेरे ऊपर आशीर्वाद लगातार है, और फिर वही मैं फिर अपनी टीम के बच्चों को देता था, गुरु की फौज करेगी मौज। अच्छा, एक और आपके बारे में जब आपकी चर्चा होती है तो एक बार आप लोगों ने कुछ अपराधियों का इनकाउंटर किया था, उसमें मुन्ना बजरंगी जो कि बहुत चर्चित अपराधी था और आप लोगों ने उसे लिटरली अपने हिसाब से मार दिया था इनकाउंटर में, उसकी मौत हो गई थी और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए चली गई थी और उसके बाद वो पोस्टमार्टम हाउस के अंदर से जीवित बाहर निकल आया। हाँ, वो हुआ था ऐसा, जिसकी वजह से बहुत शर्मिंदा भी होना पड़ा था हम लोगों को, ये गलती कैसे हो गई, लेकिन वो गलती नहीं थी, ऊपर वाले ने उसको चंद तासें दे रखी थी कुछ दिन और जीने के लिए। वो हुआ क्या था कि वो क्या गोलियां असर नहीं कर रही थी सरकारी, वो सब असर कर रही थी, प्रभु की मेहरबानी थी उसके ऊपर कि वो जैसे ही हम लोग बाहर, वो भी महाकाल का भक्त था अब वो पता नहीं, लेकिन जैसे ही हम लोग बाहर निकले तो देखिए, ये तो मानते ना बॉडी बहुत देर तक गर्म रहती है जी, तो हम लोगों के निकलने के बाद वहाँ दो रेजिडेंट डॉक्टर्स आ गए और उसने उससे चौकीदार से बातचीत करके कि अरे इनकाउंटर की डेडबॉडी है, उन्होंने कहा हमको दिखाओ। अब उसमें दिखाने के चक्कर में उन्होंने इतनी KLPD कर दी, उसको हिला के उठा के गिरा के झुका के, तो कहीं कुछ रहा होगा, उसको जीवन मिल गया। जीवन कहते हैं ना, डाकू राखे साइयां मार सके ना कोई, ये हुआ। तो बहुत ही रोचक ये पूरी सीरीज़ है और बहुत ही रोचक, बड़ी महत्वपूर्ण आपसे बातचीत भी हुई और एक कोड वर्ड में कुछ कहा है जो बहुत समझदार लोग ही समझ पाएंगे और सबके बस का है भी नहीं समझना। तो पुलिस की ज़िंदगी, STF की ज़िंदगी और एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपने परिवार, बच्चों, सबको छोड़ के जब आप अपराधियों के पीछे दौड़ते हैं और लाइफ जब इस तरह से, जीवन कई बार कठिनाइयों में होता है, आपने बताया कि कलकत्ता में एक अपराधी को दौड़ा रहे थे और रनिंग एनकाउंटर था, गाड़ियां दौड़ रही थी और गाड़ी से गिर भी पड़े, गोलियां भी चल रही थी, फिर महादेव को याद किया तो उस संकट से निकले। और गुरुजी के बारे में बताया कि गुरुजी ने किस तरह से परफेक्ट लीड दी, हमेशा परफेक्ट उनकी जो सूचनाएँ थी बड़े बड़े अपराधियों को क्रैक करने में, बड़े बड़े गिरोहों का सफाया करने में। तो बहुत ही रोचक जीवन है अविनाश जी का और निश्चित तौर पर एक बार ज़रूर मौका लगे तो इस वेब सीरीज़ को देखें और आगे भी कुछ बेहतर
आपके सहयोग से हमें स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, और हमारी शुभकामनाएं हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरोग रहें, और बाबा की कृपा भोलेनाथ की आपके ऊपर, हम सबके ऊपर बनी रहे। और वो जो आपका एक डायलॉग है कि गुरु की फौज करेगी मौज, तो आप सब भी मौज करिए, जुड़े रहिए द इंडियन ओपिनियन के साथ। नमस्कार।